हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज मैं आप सभी के साथ में पैराशूट एलोवेरा हेयर ऑयल का रिव्यू करूंगी। काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना और मैंने इसे यूज़ किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप सबको भी इसके बारे में बताई जाए अगर आप सब लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो गाइस, आज के मेरे वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल से बात करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस, हम सभी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं और हम सभी जानते हैं हेयर ऑयल हमारे हेयर के लिए कितना ज़रूरी है। हेयर ऑयल हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, हेयर में अगर डैंड्रफ है तो ये उसे भी दूर करता है। तो गाइस, ये आपने अभी तक कोकोनट के हेयर ऑयल काफ़ी यूज़ किए होंगे और काफ़ी लोगों ने दावा भी किया है कि कोकोनट हेयर ऑयल हेयर को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, नरिशमेंट देता है, सिल्की बनाता है। बट गाइस, वही हेयर ऑयल अब थोड़ा सा और चेंज और एडवांस होके आ रहा है। अब उसमें हेयर ऑयल के साथ एलोवेरा के गुण हैं। कोकोनट ऑयल तो है ही, साथ में एलोवेरा भी मिक्स होकर आया, मतलब डबल बेनिफिट्स। मींस हेयर ऑयल तो आपके हेयर को अच्छा बना रहा है, साथ में अगर उसमें एलोवेरा है, एलोवेरा हम सभी जानते हैं हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो इस हेयर ऑयल एडवांस है, इसमें सभी एलोवेरा और कोकोनट के गुण हैं जो कि हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और नरिशमेंट देता है। साथ ही साथ अगर आपके हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो ये उसे भी ठीक करता है, हेयर को सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है, नरिशमेंट देता है। तो गाइस, ये हेयर ऑयल काफ़ी अच्छा है, ये कुछ इस तरह की ट्रांसपर पैकेजिंग में आता है। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस मेरे पास ये छोटी बॉटल है जिसका प्राइस है 75 रुपीज़, इसमें एक बड़ी भी आती है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने ये कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ नहीं किया है एलोवेरा का, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके जो डैमेज हेयर है ये उससे रिपेयर करता है। अगर आपके हेयर दो मुँहें हैं, हेयर छोटे हैं, पतले हैं, तो ये उसे भी घना, लंबा और मजबूत बनाता है, हेयर में साइन देता है। इसमें एलोवेरा है और आप सभी जानते हैं एलोवेरा हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाता है, नरिशमेंट देता है, उन्हें मॉइस्ट देता है, उन्हें चमकदार बनाता है। तो गाइस, इस हेयर ऑयल को आप एक बार जरूर ट्राई करें अगर अभी तक आपने इस हेयर ऑयल को ट्राई नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात इसकी यह है गाइस, ये हेयर ऑयल काफी अच्छा है। अगर अभी तक आपने इसे यूज नहीं किया तो एक बार आप यूज जरूर करके देखें। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा छोटे हैं तो ये उन्हें घना बनाएगा, लंबा बनाएगा, सिल्की बनाएगा। और गाइस, इसमें एलोवेरा के सभी गुण मौजूद हैं और साथ ही नारियल के गुण हैं, और नारियल भी हमारे हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और चमकदार बनाता है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इसे यूज नहीं किया तो एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखें, आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर गाइस, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि इसको एक बार यूज करने से आपके हेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ बन जाएंगे। इसे कंटिन्यू आप 15 डेज तक जरूर ट्राई करें। सॉरी, वो बीच में आ गया था इसलिए। इसे आप कंटिन्यू 15 डेज तक अगर आप जरूर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फर्क महसूस होगा देखने को। आपके जो हेयर है, जो डैमेज हेयर है, उनमें साइन आ जाएगी, वो लॉन्ग होंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी। जो आपके हेयर में जो रूखापन है, आप देखते होंगे कि आप नहा लेते हो, शैम्पू कर लेते हो, कंडीशनर कर लेते हो, उसके बाद भी आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज से रहते हैं, रूखे रूखे रहते हैं, तो ये उन्हें अच्छे से नरिशमेंट देगा। और इसे आपको कैसे यूज़ करना है, इससे आपको अपने हेयर में अच्छे से मसाज करनी है जब भी आप बाल धोएं। आप चाहें तो सप्ताह में 2 बार भी इसे ट्राई कर सकते हैं, अच्छे से हेयर में मसाज करनी है और दूसरे दिन जो भी आप शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं उससे अपने हेयर को धो लीजिए, काफ़ी अच्छा है इसमें। और तो और गाइस, मैं ये कहूँगी कि अगर इसे आप वैसे भी लगाते हैं और अगर आप बाल नहीं धो रहे तो भी आपके हेयर में चिपचिपापन नहीं आएगा। कई हेयर ऑयल ऐसे होते हैं कि जिनको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपापन आ जाता है और बहुत चिपक जाते हैं बाल, अजीब सा, मतलब सारी डस्ट वगैरह सारी आके बालों में चिपक जाती है। बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको लगाने के बाद आपको चिपचिपापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और जो हमारे हेयर पॉल्यूशन से जो डैमेज हो जाते हैं, इन्हें अच्छे से रिपेयर करता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही गाइस, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें कोकोनट और एलोवेरा है, ये हेयर ऑयल को आप अपनी बॉडी पर भी लगा सकते हैं क्योंकि एलोवेरा हमारे स्किन के लिए है। तो आप इसे अगर अपनी बॉडी पर भी मसाज करेंगे, बॉडी पर, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। गाइस, इसे 15 डेज आप जरूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी सॉल्व हो जाएगी और आपके हेयर लॉन्ग होंगे, सिल्की होंगे। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं और तंगी करने पर टूटते हैं तो ये उन्हें घना बनाएगा, लंबा बनाएगा।
पर हाँ, किसी भी गाइस आप कोई भी हेयर ऑयल या कोई भी डीआईवाई यूज करो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने एक बार यूज कर लिया और उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। रातों रात तो कोई भी चीज आपको रिजल्ट नहीं दे सकती है। अगर आप सोचे कि रात को मैं क्रीम लगा लूं और सुबह में गोरी हो जाऊं, तो ऐसा तो कोई भी कंपनी या कोई भी चीज दावा नहीं कर सकती है। उसके लिए आपको कम से कम 15 डेज तक इसे जरूर ट्राई करना पड़ेगा। आप इसे 15 डेज तक ट्राई करें, 15 डेज के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं पैरासूट तो हम सभी यूज करते हैं और बचपन से कोकोनट हेयर ऑयल लगाकर ही बालों में बड़े हुए हैं, तो यह हमें एलोवेरा भी साथ में दे रहा है, वो एडवांस हो गया, तो क्यों ना हम एडवांस चीज यूज करें। और कोकोनट तो इसमें है ही, साथ में एलोवेरा भी है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। और उसके बाद मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके हेयर कैसे हुए, आपने इसको 15 डेज कंटिन्यू ट्राई किया। और इसका प्राइस है 75 रुपीज, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। और उसके बाद मुझे कमेंट्स जरूर करके बताना कि आपको ये कैसा लगा और ये आपके बालों में वाकई वर्क किया या नहीं किया, मुझे जरूर बताना। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे जरूर ट्राई करें।